वो लौकिक धन है, चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन जो सच्चा धन है ना, ये छूट न जाए भैया। मरने के बाद केवल यही धन साथ जाएगा और दूसरा धन कोई साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद केवल आपने सत्संग किया, आपने पुण्य किया, यही साथ जाएगा, यही उस अंतिम यात्रा में साथ देगा। इसके अलावा भैया ये खजाना, माल दौलत धन वैभव संपदा सब के सब यहीं रह जाएंगे। मीराबाई ने कह दिया था ना, पायो जी पायो, राम रतन धने पायो, पायो जी पायो, श्याम रतन धन पायो। ए मेरे मालिक, तू तो मेरा रत्नों का रतन है, मेरा क्या लगते तेरे, माई रे मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने गोविंद को तो मोल ले लिया, मीरा तो मीरा थी। एक बात बोलूं, मैं दूसरे भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, कलयुग में ऐसे भक्त हुए जो संसार से परमात्मा में सीधे की सीधे समा गए, उनकी न तो समाधि बनी न उनका अंतिम संस्कार हुआ। मीरा भाई कि कहां समाधि बनी, कहां समाधि है मीरा भाई की, वो सीधे द्वारिकाधीश में समा गई, कहां है आज उसका पल्लू थोड़ा सा बाहर रहता है, सीधी द्वारिकाधीश में चली गई वो। कोई दिखा दे मीरा भाई की समाधि, दिखा दे मीरा भाई का अंतिम संस्कार की वही जगह, वो सीधी परमात्मा विलीन हो गई भाई, चैतन्य महाप्रभु आहा जगन्नाथ में विलीन हो गए, परमात्मा में सीधे चले गए। मैं कोई त्रेता द्वार की द्वापर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कलयुग के भक्तों की बात कर रहा हूं, राम कृष्ण परमहंस मां के चरणों में सीधे काली के चरणों में समा गए भैया। अगर भक्ति करोगे, कर्मा भाई कह देती है ना कि सांचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो महाराज श्याम धनी जीमाव बेटी जाट की। अरे साहब पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है अगर आपका सांचा प्रेम प्रभु में है तो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।